तो देखें मैकेनिक भाइयों, वॉशिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का क्रैंक केस, यह राइट हैंड साइड का क्रैंक केस, यह इस गाड़ी का क्रैंक असेंबली, या इस गाड़ी का क्लच के साइड का सारा मैकेनिज्म, यहाँ पे क्लच शू, या इसका मैग्नेट कॉइल, या इसका गियर बॉक्स, और कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने बिखेर रखा है। इसको कहा जाता है पिस्टन जेट कॉम्प। यह किसके अंतर्गत आता है? ESP के अंतर्गत आता है। एक टेक्नोलॉजी जो है होंडा वालों ने उपयोग किया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ESP। ESP का जो फुल फॉर्म होता है इनहैंड स्मार्ट पावर। चलिए मैं PDF के थ्रू आपको समझाता हूँ। अभी देखें ये क्या है टेक्नोलॉजी, समझें कि ESP के आने के बाद क्या क्या ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे देखें एडवांस टेक्नोलॉजी होंडा का है ESP, इनहेंस स्मार्ट पावर। क्या क्या इसके अंदर इम्प्रूव किया गया है तो देखें, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम किया गया है, कॉम्पैक्ट वेट, वेट के ऊपर भी काम किया गया है, इम्प्रूव कम्बशन। इन सारे चीज़ों को अगर निचोड़ निकालेंगे तो बराबर मिलकर क्या होता है, अब जिस जेट के बारे में मैं बता रहा था, देखें ये क्या है, जेट कॉम्प पिस्टन टू प्रोवाइड बेटर लुब्रिकेशन बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड पिस्टन। यहाँ पे क्या लिखा गया है आप देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जेट कॉम्प पिस्टन के अंदर जो दिया गया है, इससे क्या होता है कि इम्प्रूव कूलिंग एफिशिएंसी। इसके इस बदलाव के कारण माइलेज बढ़ा, और इसमें बदलाव लाने के कारण कूलिंग एफिशिएंसी बेटर हो गया। तो आप इसके बारे में समझ गए, आने वाले समय में जब भी आप देखें कोई भी आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि टू प्रोवाइड बेटर ल्यूब्रिकेशन बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक को जो है ज़्यादा कूलिंग करने के लिए यह सिस्टम का उपयोग किया गया है जो यहाँ पे लगा हो। मैकेनिक भाइयों आ गए हैं एक BS6 इंजन के फिटमेंट को लेकर। आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा कि इससे पहले मैंने दो ऐसे अलग अलग पार्ट शेयर किया आपके साथ, जिसमें मैंने बताया कि इंजन को कैसे डिसमेंटल किया जाता है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट एक एक प्रोसीजर आपको बताएंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे कि BS6 के इंजन को कैसे फिट किया जाता है। उससे पहले हम क्या ऐसे चीज़ें यूज करने वाले हैं, कैसे क्लीनिंग करने वाले हैं, क्लीनिंग के दौरान क्या क्या यूज करेंगे, फिटिंग के दौरान क्या क्या यूज करेंगे, कहाँ पे जेन्युइन पार्ट का उपयोग किए हैं, कितना प्राइस है, क्या पार्ट नंबर है, यानी A to Z प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें आपका समय 1 से 1.5 घंटे आप दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरा A to Z प्रोसीजर बताएंगे इंजन फिटमेंट को लेकर। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होगी, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहें वीडियो में, क्योंकि BS6 का ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। क्योंकि आज का ये वीडियो जो है खास तौर पर जो होंडा के जितने भी स्कूटर है, ग्राजिया हो, एक्टिवा हो, डियो हो, सभी स्कूटर का सेम मेथड होता है। तो चलिए फिटमेंट से पहले क्लीनिंग के लिए और क्या क्या ऐसा हम लोग पार्ट उपयोग कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर देखें तो यह हमारे पास है गैस्केट, गैस्केट ट्रांसमिशन केस, प्राइस इसका है ₹49 और पार्ट नंबर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखें यह ऑयल सील है, पार्ट नंबर से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑयल सील है। पार्ट नंबर आप इसका ज़रूर से ज़रूर देख लें, पार्ट नंबर इसका आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। अब अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यह भी एक ऑयल सील का सेटअप है, जिसमें मैंने पूरा पैकेट ही इसको परचेज़ किया, आने वाले समय में मुझे ये काम आएगा। और इसका भी पार्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस साइड भी आप इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं। पहले मैं पार्ट्स ही आपको दिखा दूँ, यह भी एक ऑयल सील है, यहाँ पे आप इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं। इसके अंदर जो है 25 ऑयल सील है, और यह इसका जो ऑयल सील कहाँ पे फिटिंग होगा मैं फिटिंग के दौरान बताऊंगा, पार्ट नंबर आप इसका देख सकते हैं। यहाँ पे इसका दो गैस्केट है जो मैं अभी निकाल देता हूँ। इसका आपको पता होगा कि होंडा का जो गैस्केट किट होता है वो अलग अलग आता है, एक साथ आता नहीं है। तो यह इसका हेड गैस्केट है, पार्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये अगर नहीं जाएगा तो मैं दूसरा ऐड करूंगा, प्राइस सिर्फ के सिर्फ ₹33। यह इस गाड़ी का ब्लॉक गैस्केट है, इसका पार्ट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका इस जगह पे अगर देखें ₹35, मात्र ₹35 का यह पार्ट नंबर के साथ आया है, आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ ये पार्ट है जो मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगा, बाकी फिटिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मैं क्या क्या ऐसा नया यूज कर रहा हूँ, जैसे ब्लॉक असेंबली, वो सारी चीज़ें मैं अभी दिखाऊंगा। अभी क्लीनिंग को देकर यहाँ पे देखें, TVS का इंजन कोट लाया हूँ। क्लीनिंग के बाद इसे हम स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद इंजन जो है काफ़ी नया हो जाएगा, वो मैं भी आपको बताऊँगा कैसे इसका क्लीनिंग प्रोसीजर उपयोग करना है।
यह ल्यूब है, चेन ल्यूब है, इसको हम काफ़ी सारे जगहों पे यूज करेंगे, जैसे रोलर हो गया क्लच साइड का, वहाँ पे यूज करेंगे। यह मैं मोटुल का उपयोग कर रहा हूँ। यह शिबा का थ्रोटल बॉडी क्लीनर है और इसको मैं यूज करूँगा कोई सेंसर्स और एक्चुएटर्स के क्लीनिंग के दौरान। और यह भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्लीनिंग कैसे किया जाता है। ज़्यादातर इसमें मैं इंजन ऑयल तक भी अगर देखें तो मैं होंडा का यूज कर रहा हूँ। 800 ml इसका लिमिट है, 600 ml इसके इंजन में जाएगा और 200 ml इसके गियर बॉक्स में जाएगा। और प्राइस इसका मैं अगर दिखाते चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस मेंशन है 384। साथ ही साथ मैं इसके जब गाड़ी को पूरी तरह से डन करूँगा तो ये M2R का मिंटू भाई का जो पॉलिश है इसे मैं उपयोग में लाऊँगा। यह पॉलिश को, ये इसके दो प्रकार के ब्रश है जिसको मैं क्लीनिंग को लेकर उपयोग करूँगा। और क्लीनिंग को लेकर देखें तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 1 लीटर इसके क्लीनिंग को लेकर पेट्रोल उपयोग किया। जहाँ पेट्रोल यूज करना रहेगा वहाँ पेट्रोल यूज करेंगे, और जहाँ पेट्रोल का उपयोग नहीं करना रहेगा वहाँ मैं इसके अंदर डीजल और थिनर दो चीज़ मिक्स किया हूँ तो इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि ओरिंग के ऊपर, ऑयल सील के ऊपर अगर पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो ओरिंग फैल जाता है काफ़ी समय, और फिर ऑयल लीकेज की समस्या होता है, एयर गाड़ी लेना शुरू कर देती है, तो उस केस में इस चीज़ को हम उपयोग करेंगे। तो क्लीनिंग का भी आपको मेथड मैं बताऊँगा। और साथ ही साथ एक सिंगल रेजी बॉन्ड ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बॉन्ड उपयोग करता ही नहीं हूँ। क्योंकि बॉन्ड अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ऑयल फ्लो में प्रॉब्लम हो जाएगा, हेड में ऑयल पहुंच नहीं पाएगा। साथ ही साथ टाइमिंग को मार्क करने के लिए, इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए मार्कर का उपयोग करूंगा। और यह एक इसके अंदर मैं क्लीनिंग का सारा प्रोसीजर उपयोग करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सारी चीज़ें क्लीन करते हैं और मेन आपको बताएंगे कि इंजन कोट को कैसे अप्लाई करना है। जब भी इंजन ओपन करते हैं अगर इस चीज़ को आपने अप्लाई किया तो इंजन के अंदर चार चांद लग जाएंगे, एकदम इंजन नया हो जाएगा, ब्रांड न्यू। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लीनिंग का वो सारा प्रोसीजर, बने रहें बिना स्किप किए बने रहें, आपको बताएंगे A to Z प्रोसीजर कि कैसे कैसे इंजन को फिट किया जाता है। तो देखें मैकेनिक भाइयों, वॉशिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर चुके हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का क्रैंक केस, यह राइट हैंड साइड का क्रैंक केस, यह इस गाड़ी का क्रैंक असेंबली, यह इस गाड़ी का क्लच के साइड का सारा मैकेनिज्म, यहाँ पे क्लच शू, यह इसका मैग्नेट कॉयल, यह इसका गियर बॉक्स, और कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने बिखेर रखा है। और ये सारे पार्ट्स अभी अब इसके अंदर असेंबलिंग का सारा प्रोसीजर का उपयोग करेंगे। अभी इसके क्रैंक केस वगैरह पूरी तरह से एकदम सूख चुका है, अब इसके अंदर हम इंजन कोट चढ़ाएंगे ताकि इंजन और प्रोफेशनल दिखे। तो कोट कैसे चढ़ाया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। वॉशिंग के बाद आप इंजन को प्रीमियम फिनिश देने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है इंजन कोटिंग का उपयोग किया है, और आप इसके हेड के कैप को देख के अनुमान लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो इंजन कोट है इसे ओपन करने से पहले लिखा हुआ यहाँ पर अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा शेक व्हील बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले थोड़ा सा इसे हिला लेंगे और उसके बाद इसके उपरेले सरफेस के ऊपर कोटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो जितना भी मैं इंजन फिटिंग करूंगा या फिर कह सकते हैं इंजन को फिटिंग करने के बाद
पूरे इंजन को अच्छे से कोटिंग करूंगा और आपको एंड में भी फिनिशिंग दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको इंजन फिटमेंट का सारा प्रोसीजर बताते हैं, क्योंकि अगर हर एंगल से देखें तो पूरा इंजन बिखरा पड़ा हुआ है, तो फिटमेंट का वो सारा प्रोसीजर आपको दिखाना पड़ेगा, एक एक स्टेप बताना पड़ेगा। तो बिना स्किप किए आप देखें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और आपके गैराज में भी कोई ऐसी इंजन खुले तो आपको फिटिंग में कोई ऐसी परेशानी ना हो। अब यहाँ से मेन इसका इंजन फिटमेंट का प्रोसीजर शुरू होता है। सबसे पहले देखें, इस तरह से एक डॉवेल पिन होता है, इसके ऊपर एक ओरिंग लगा होता है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर और फिट करेंगे मेन क्रैंक केस में। यहाँ पे इस जगह पे ये ऐड होता है, ओरिंग भी ध्यान रख रहा है और यह डॉवेल को भी ऐड करना है, अन्यथा हेड में आपका ऑयल का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में यह क्रैंक असेंबली इसके अंदर ऐड करना होता है। क्रैंक को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसे ऐड करने से पहले इसके कनेक्टिंग रॉड में भी ऑयल डालेंगे यहाँ पे। इसके अंदर जो 10W30 या फिर जो 5W30 इंजन ऑयल कंपनी रिकमेंडेड आता है, वह लुब्रिकेंट के तौर पे यूज ना करें, क्योंकि वो काफ़ी पतला होता है और फर्स्ट टाइम इंजन को जब फिटिंग करेंगे तो थोड़ा सा मोटा इंजन ऑयल का यूज करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर जो यूज कर रहा हूँ वो फॉर्क ऑयल है, जिसके अंदर जो है काफ़ी चिपचिपापन होता है और इंजन का साउंड काफ़ी स्मूथ आएगा। तो देखें मैंने हर जगह पे ऑयल इसका ऐड कर चुका है। अब इस क्रैंक को यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से, देखें ये जो मैग्नेट वाला सिरा ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे बिना हीट किए। बिना हीट किए ये आसानी से बैठ जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर इसकी वर्किंग को हम चेक कर लेंगे। ये देखें काफ़ी आसानी से ये अच्छे से मूव कर रहा, कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब आपको पता होगा इसके बीच मेन क्रैंक केस में कोई भी ऐसा गैस्केट वगैरह नहीं आता है, तो सिर्फ आप इसके अंदर रेजी बॉन्ड, एना बॉन्ड कुछ भी ऐसा उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके सरफेस को एक बार अच्छे से फिनिश कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ और इसको यूज करेंगे चिपकाने के लिए रेजी बॉन्ड का, और एकदम ना के मात्रे में, हल्के मात्रे में यूज करेंगे। तो इसके सरफेस को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे रेजी बॉन्ड इस तरह से कुछ अप्लाई करेंगे और देख लें, काफ़ी सारे ऐसे गाड़ियों में क्या होता है कि बीच में जो क्रैंक केस होता है उसके बीच में एक ऐसा हॉल होता है जहाँ से हेड के लिए ऑयल फ्लो होता है, जैसे यह हॉल। तो यहाँ पे आप हरगिज कुछ ऐसे बॉन्ड वगैरह का प्रयोग ना करें, वरना फिर से आपको पूरा इंजन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हेड जो है ऑयल जो है हेड में ट्रांसफ़र होगा ही नहीं और इंजन जो है सीज मार जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इन सारे हॉल को आप अच्छे से जाँच कर लें, उसके बाद फिटिंग करें। जैसे इसके सरफेस पर मैंने रेजी बॉन्ड का उपयोग किया है, वैसे ही हम इसके इस सरफेस के ऊपर भी रेजी बॉन्ड का अप्लाई कर देंगे। और रेजी बॉन्ड अप्लाई करते ही मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर मैंने एक क्लिप शेयर किया था जो ये है, तो काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज थे और काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों ने अच्छा जवाब दिया कि यह जो है पिस्टन जेट कॉम्प इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन जेट कॉम्प। क्या काम है इसका? जब भी हम गाड़ी को स्पीड में रन करते हैं, गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करते हैं, थ्रोटल खींचते हैं, तो ये यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट करता है इसके पिस्टन तक ऑयल फ्लो करने का, जिससे क्या होता है कि इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता है, पिस्टन ज़्यादा हीट नहीं होता है। मैं इसका मैकेनिज़म आपको PDF के थ्रू बताता हूँ कि कैसे कैसे ये काम करता है, PDF में आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले ये रेजी बॉन्ड सूख ना जाए इसके लेकर मैं इसके क्रैंक केस को लगा लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं PDF शेयर करूँगा कि ये जो पिस्टन जेट कॉम्प है ये कैसे काम करता है ये सिस्टम। इसे फिटिंग करते हुए कुछ इस प्रकार से ध्यान देना है इसके ऑयल सील का और ओरिंग का। अगर आपके पास प्लास्टिक हैमर है जब अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से ऊपर नीचे प्रेस करते रहेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। जब भी आप इसका मेन क्रैंक केस फिटिंग करते हैं, क्रैंक को फिटिंग करते हैं, तो यह दो कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर देखें तो यह जो एक लॉन्ग बोल्ट है, इसमें हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारे बोल्ट को फिटिंग करने के बाद ये एक बोल्ट बचा कहाँ से। तो देखें यहाँ पे एक हॉल है इस जगह पे, देखें ये, तो यहाँ पे सबसे लॉन्ग बोल्ट जाएगा, ये आप खास ध्यान रखें। यह इस हॉल के अंदर बोल्ट जाता है जो ज़्यादातर दिखता नहीं इंजन को फिटिंग करने के दौरान और ओपन करने के दौरान, तो इस हॉल में भी एक बोल्ट होता है। दूसरा, जब भी आप इसके क्रैंक केस को हीट करते हैं फिटमेंट के दौरान, तो यह एक डॉयल गिर जाता है। देखें कितना कन्फ्यूज़न भरा है।
अब यह डॉयल आपने कभी ऐसा देखा नहीं रहेगा, BS6 की गाड़ियों में सिर्फ यह देखने को मिलेगा। तो जैसे आप क्रैंक केस को अपोजिट डायरेक्शन में पलटते हैं, यहाँ पे देखें यह जो एरिया है इस जगह पे, तो यहाँ पे यह डॉयल पिन जाता है। तो जब भी उस साइड से हीट करेंगे तो यहाँ से यह डॉयल पिन गिर जाता है, इसकी स्प्रिंग गिर जाती है जो फिटिंग के दौरान मैं बताऊँगा, और पंप का एक निडल होता है यहाँ से भी गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दें, घबराएं नहीं कि कहाँ से गिरा, कैसे ऐड करेंगे, क्या मेन क्रैंक केस में था या फिर से क्रैंक ओपन करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से यह डॉयल गिरता है। तो चलिए मैं फिटिंग का सारा प्रोसीजर बताता हूँ। क्रैंक के सारे बोल्ट को डालने के बाद यहाँ पे जो इसका एक ऑयल फिल्टर जो लगा होता है, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके ऊपर एक स्प्रिंग होती है, इसे भी इस प्रकार से ऐड करेंगे, और उसके बाद यह एक नट होता है, इसे यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके और टाइट करना रहता है। तो इसे टाइट करने के लिए इस तरह से 17 नंबर के जो है स्पेनर का, रिंग स्पेनर का उपयोग करेंगे, ये काफ़ी आसानी से टाइट हो जाएगा। देखें यह टाइट हो गया और हमारी गाड़ी का क्रैंक केस भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब क्रैंक केस के बाद का जो प्रोसीजर है वो इसके गियर बॉक्स का है, क्योंकि गियर बॉक्स असेंबल करेंगे जब ही इसके अंदर हम सेंटर स्टैंड ऐड कर सकते हैं, जब ही हम गाड़ी के सेंटर स्टैंड और व्हील को ऐड करने के बाद ही इसके रिंग पिस्टन को हम ऐड कर सकते हैं। तो सेंटर स्टैंड को या व्हील को ऐड करने के लिए हमें इसका गियर बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। तो गियर बॉक्स कैसे रेडी करना है, कैसे इसके पिनियन टीथ को ऐड करना है, कहाँ पर VSS सेंसर लगाना है, कौन सा प्रोसीजर उपयोग करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गियर बॉक्स फिटिंग करने से पहले जितने भी इसके जो बैरिंग वगैरह हैं, इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल का यूज करेंगे। वैसे भी इसके अंदर गियर बॉक्स ऑयल जाएगा, बट फ्री प्ले ऐड करने के लिए पहले ही हमें इसके अंदर ऑयल ऐड करना पड़ेगा। और सारे बैरिंग को हम राउंड करके देख लेंगे कि किसी से कोई साउंड तो नहीं आ रहा, साउंड आए या प्ले दिखे तो फटाक से रिप्लेसमेंट करना है। वैसे यह गाड़ी एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर कोई भी गियर बॉक्स का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो इसे हम सिर्फ अच्छे से ल्यूब करेंगे, फ्री प्ले चेक करेंगे और गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स को ऐड कर देंगे। ये देखें सब फ्री प्ले हो गया, ये देखें सब फ्री प्ले हो गया। अब इसके अंदर से हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके इसके गियर पिनियन को ऐड करना शुरू करेंगे। इसके अंदर जो छोटा गियर है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे और पहले छोटा गियर इसके अंदर हम लगाएंगे। यहाँ पे ये देखें छोटा गियर लग गया और छोटा गियर भी काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक बड़ा जो गियर है, सबसे बड़ा जो मेन ट्रांसमिशन है, इसी से हमारी गाड़ी का जो है व्हील घूमता है, उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें गियर बॉक्स का मैकेनिज्म समझें, गियर बॉक्स की वर्किंग को समझें किस तरह से। यह जो छोटा गियर है वो इस गियर से अटैच है। अब इस गियर को और इस गियर को वर्क करवाने के लिए एक यहाँ से इस गियर से अटैचमेंट चाहिए, जब ही ना व्हील घूमेगा। तो यह इस गाड़ी का क्लच वाला शाफ्ट है जहाँ पे क्लच लगता है। तो क्लच और व्हील को एंगेज करने के लिए एक इस प्रकार से एक जो है गियर रहेगा। अब इस गियर में जो ये जो लिखा हुआ पार्ट्स है वो ऊपर रहेगा, ये देखें लिखा ना KOPA, तो जो ब्लैंक पार्ट है उसे नीचे डालेंगे और लिखा हुआ पार्ट ऊपर रखेंगे। ये देखें ये हमारा गियर बॉक्स एकदम रेडी हो चुका है। देखें मैकेनिज्म पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसके इस सरफेस पे लगाएंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर आके ऑयल सील बैठेगा, तो ऑयल सील के अंदर स्क्रेचेस ना हो, ऑयल सील के अंदर लीकेज की समस्या ना हो, उसके लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऑयल के थ्रू लुब्रिकेंट करेंगे। अब उसके बाद फिर इसके अंदर गियर बॉक्स का नया पैकिंग ऐड। तो यह इस गाड़ी का गियर बॉक्स पैकिंग है, आपको मैंने पार्ट नंबर शेयर कर दिया, प्राइस शेयर कर दिया, गियर ट्रांसमिशन केस, चलिए इसे ऐड कर। इसके इस कैप को ऐड करने के बाद अब इसको विपरीत दिशा में पलटेंगे, क्योंकि इसका जितने भी सारे बोल्ट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से टाइट होते हैं नीचे के साइड से। तो उसे टाइट करने के लिए इसके एंगल के अंदर फिर बदल करना पड़ेगा, इसको हम पलटेंगे अभी। गियर बॉक्स में जो टोटल बोल्ट्स होते हैं वो 7 बोल्ट होते हैं, 7 में से 4 बोल्ट आपका क्लच कवर के बाहर जाएगा, 3 बोल्ट इसके क्लच कवर के अंदर आएगा। अब कैसे पता करें कौन सा क्लच कवर के अंदर का है, कौन सा क्लच कवर के बाहर है? तो क्लच कवर के अंदर का जो बोल्ट रहेगा उसमें इस प्रकार से ब्लू इस तरह से जो है मार्क दिया हुआ होता है,
कंपनी रिकमेंडेड, इसमें मैं खुद मार्क नहीं किया हूँ, तो इससे आप पता लगा सकते हो। और वैसे भी जो अंदर का बोल्ट रहेगा वो काफ़ी नया दिखेगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसे अंदर टाइट करना है, बाकी के जो सारे बोल्ट हैं वो आपको बाहर टाइट करना है। तो इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए इसे मैं टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। मेन क्रैंक केस को फिटिंग करने के बाद इसके ऊपर इसका जो इंजन गार्ड होता है, जो ऑफ रोडिंग करते समय इसके इंजन को प्रोटेक्ट करता है, स्पीड ब्रेकर में इंजन लग के टूटे ना, इसके लेकर यहाँ पे इंजन गार्ड अब BS6 की गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर 2-3 12 mm के जो बोल्ट हैं, इसे हम टाइट करेंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे, ताकि इंजन को अच्छा प्रोटेक्शन मिल सके। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, देख लें कुछ इस प्रकार से लगता है। इसके बाद हम इसके सेंटर स्टैंड को ऐड करेंगे, रियर व्हील को ऐड करेंगे, रियर ब्रेक शू को ऐड करेंगे, और फिर हमारी गाड़ी जो है इस स्टैंड के बजाय खुद के स्टैंड पे हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। इसके स्टैंड को फिटिंग करते हैं, क्योंकि स्टैंड को फिटिंग करेंगे ना तो इसके इंजन के फिटमेंट में आसानी होगी। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें आप तो ग्रीस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑयल का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ग्रीस जो है सूख जाता है। देखें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका स्टैंड ऐड होगा, और यहाँ से इसके पिन, इस साइड से इसके पिन को ऐड करेंगे, ये इस साइड से जाएगा काफ़ी केयरफुली। अगर थोड़ी सी लापरवाही आपने किया ना तो ये पिन इसका जाता है, और जब ये पिन इसका गया ना तो फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस पिन को आप खास ध्यान रखें। देखें इस पिन को मैंने ऐड कर दिया, अब इसके विपरीत दिशा में इसका लॉक जाएगा, तो लॉक और वॉशर फिटमेंट करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से इस गाड़ी का यहाँ पे लॉक होता है और एक एक्स्ट्रा वॉशर, तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसके वॉशर, इसका जो लॉक है इसे यहाँ पे लगा के इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे एक प्लायर की मदद से। देखें ये फैल चुका है, अब इसके ऊपर हम स्प्रिंग ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर स्टैंड मैंने ऐड कर दिया है, अब रियर व्हील ऐड करेंगे, फिर गाड़ी को जो है इंजन को हम नीचे ले लेंगे। अभी देखें इस स्टैंड पे मैंने होल्ड कर रखा है, यहाँ पे रियर व्हील को ऐड करने से पहले इसके ब्रेक शू को ऐड करेंगे, और ब्रेक शू के लिए हम प्रोफेशनल ग्रीस जो उपयोग कर रहे हैं, गल्फ का उपयोग कर रहे हैं, ताकि चिपचिपापन ज़्यादा हो और लॉन्ग लास्टिंग चले। ग्रीस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब डायरेक्ट ब्रेक शू जो है, गाड़ी मैंने आपको बताया कि अंदर 5000 की चली हुई है, तो अभी इसके ब्रेक शू की रिप्लेसमेंट की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ब्रेक शू ऐड करूँगा, इसके ग्रीस को इसके स्प्रिंग में ऐड करूँगा, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब इसके रिटर्निंग के लिए एक स्प्रिंग नीचे होती है, यहाँ पर इस जगह पर, देखें इस जगह पर, तो इसे भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये देखें, तो ये भी स्प्रिंग मैंने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर रियर व्हील जो है इसका ऐड करेंगे। ये इस गाड़ी का व्हील है जो मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रहा हूँ। तो देखें यह रियर व्हील इसका जो है फिटिंग हो चुका है, ब्रेकिंग भी अच्छे से काम कर रही है गाड़ी का। अब चलिए इसके हम बोल्ट को टाइट करते हैं, इसके नट को अब यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। इसके मैग्नेट कॉइल के फिटमेंट शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे इस गाड़ी का CKP सेंसर टाइट होगा, जो सब के सब 5 mm L की बोल्ट ही लगे रहते हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं इसे टाइट करता हूँ। देखें कुछ इस प्रकार से इसको वायर को अच्छे से पहले सेव करेंगे, ताकि कहीं से कोई कट ना हो, और यहाँ इसे टाइट करेंगे। देखें एकदम आसानी से 3 LK के बोल्ट, जो बड़े बड़े बोल्ट रहेंगे वो इसके तीनों मैग्नेट के बीच में जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और एक जो छोटा बोल्ट है 5 mm L की बोल्ट, वो नीचे जाएगा इसके CKP सेंसर को।
तो पहले बोल्ट को फंसाएंगे, टाइट पूरी तरह से करेंगे नहीं, वरना फिर सीकेपी सेंसर टूट सकता है और उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो सिर्फ पहले हम बोल्ट को फंसाते हैं और उसके बाद सीकेपी सेंसर का बोल्ट पहले टाइट करेंगे, ये बोल्ट, उसके बाद ही सारे बोल्ट को टाइट करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसके सीकेपी सेंसर के बोल्ट को टाइट करेंगे, जब ये टाइट होगा जब मैग्नेट के बोल्ट को टाइट करेंगे। ये टाइट हो गया, अब इसके मैग्नेट के सारे बोल्ट को हम टाइट करेंगे। अभी आप कन्फ्यूजन ना हो कि इसके पिस्टन जेट कॉम के बारे में मैंने नहीं बताया, वो जब हम इसके हेड और ब्लॉक को फिटिंग करेंगे ना, और जब इसके ऑयल फ्लोइंग सिस्टम को बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे कि कैसे पिस्टन जेट कॉम काम करता है, कितना प्रेशर जाता है इसके हेड में ऑयल। तो तीनों बोल्ट को टाइट करेंगे और उसके बाद सारे जो इसके वायरिंग है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन कवर एक होता है वो लगाएंगे, ताकि वायरिंग जो इसके मैग्नेट से टच होके टूटे ना। तो ये जो वायरिंग को मैंने बैक साइड इसके अच्छे से सेव कर दिया है, अब यह इस गाड़ी का यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर लगा होता है। यह जो प्रोटेक्शन कवर है, इसके ऊपर जो 10 नंबर के बोल्ट हैं, इसे टाइट करेंगे दोनों को। इसके बोल्ट को हेवी टाइट करने के लिए स्पेशल टूल का हम उपयोग करेंगे, रिंग स्पैनर का। ये टाइट हो चुका है, अब इसके अंदर मैग्नेट ऐड करेंगे। तो मैग्नेट में जो की का सिंबल है, उसी चीज़ को सिर्फ हम देखेंगे और डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखिए मैग्नेट लग गया है। अब इसका जो टी का टाइमिंग बैठता है, वो इस जगह पे बैठता है, जब हम गाड़ी का टाइमिंग लेंगे परफेक्ट, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट टाइमिंग इसका किस डायरेक्शन में लिया जाता है। अब इसका जो बोल्ट है उसे मैं टाइट कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया कि इसके मैग्नेट साइड फिटिंग करने के जस्ट बाद मैं इसके यहाँ पे लगा इस यूनिट के बारे में बताऊँगा। तो यह क्या मैंने बताया, इसको कहा जाता है पिस्टन जेट कॉम्ब। यह किसके अंतर्गत आता है, ESP के अंतर्गत आता है। एक टेक्नोलॉजी जो है होंडा वालों ने उपयोग किया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ESP। ESP का जो फुल फॉर्म होता है इन हैंड स्मार्ट पावर। चलिए मैं PDF के थ्रू आपको समझाता हूँ। अभी देखें ये क्या है, टेक्नोलॉजी समझें कि ESP के आने के बाद क्या क्या ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे देखें एडवांस टेक्नोलॉजी होंडा का है, ESP इनहेंस स्मार्ट पावर। क्या क्या इसके अंदर इम्प्रूव किया गया है, तो देखें रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम किया गया है। कॉम्पैक्ट वेट, वेट के ऊपर भी काम किया गया है। इम्प्रूव कम्बशन, इन सारे चीज़ों को अगर निचोड़ निकालेंगे तो बराबर मिलकर क्या होता है, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। यानी इन इसके जो है रिड्यूस किया गया फ्रिक्शन को, कॉम्पैक्ट वेट किया गया, इम्प्रूव किया गया कम्बर्शन को, और इन सारी चीज़ों को मिला के जो निचोड़ निकला है वो इसके माइलेज के अंदर इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। अब इसके लिए कंपनी रिकमेंडेड क्या क्या ऐसा बदलाव किया गया है, तो देखें ऑफ साइड सिलेंडर का उपयोग किया गया है, कॉम्पैक्ट क्रैंकशाफ्ट का उपयोग किया गया है, ऑप्टिमाइज पिस्टन का उपयोग किया गया है, थिंक सॉफ्ट स्पार्क प्लग का उपयोग किया गया है। अब ये थिंक सॉफ्ट स्पार्क प्लग के अंदर आप बदलाव खुद देख सकते हैं कि पहले का ये जो इलेक्ट्रोरॉड था ये काफ़ी मोटा था, अब का इलेक्ट्रोरॉड जो है काफ़ी पतला कर दिया गया है, जिससे क्या होता है इम्प्रूव कम्बर्शन, जिससे कम्बर्शन बढ़ता है। और यहाँ पे थंबल स्ट्रिंग करके एक जो है, स्ट्रिटिंग करके एक जो है एक टेक्नोलॉजी उपयोग किया गया, जिससे क्या होता है कि बेटल एयर और फ्यूल का मिश्रण होता है, यानी फ्यूल बार बार इसके चैम्बर में घूमता है। थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को समझें, अगर आप इसके इमेज को देखें जिस तरह से घुमाया गया इसके फ्यूल को, इसके एयर को, और इससे क्या होता है कि इम्प्रूव होता है कम्बर्शन, और इससे हमारी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी जो है बढ़ता है। तो ESP टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आता है, ये तीनों का निचोड़ जो है माइलेज को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब जिस जेट के बारे में मैं बता रहा था, देखें ये क्या है, जेट कॉम पिस्टन टू प्रोवाइड बेटर लुब्रिकेशन बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक एंड पिस्टन। यहाँ पे क्या लिखा गया है आप देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जेट कॉम पिस्टन के अंदर जो दिया गया है, इससे क्या होता है कि इम्प्रूव कूलिंग एफिशेंसी,
इसके बदलाव के कारण माइलेज बढ़ा और इसमें बदलाव लाने के कारण कूलिंग एफिशिएंसी बेटर हो गया। तो आप इसके बारे में समझ गए हैं। आने वाले समय में जब भी आप देखें, कोई भी आपसे पूछे, तो आप ये बता सकते हैं कि टू प्रोवाइड बेटर ल्यूब्रिकेशन बिटवीन सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक को जो है ज़्यादा कूलिंग करने के लिए यह सिस्टम का उपयोग किया गया है जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसके आगे का प्रोसीजर हम शुरू करते हैं, इसके हेड ब्लॉक को फिटिंग करते हैं। इसके टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके रिंग पिस्टन और इसके ब्लॉक असेंबली को ऐड करने वाला हूँ, और जिस तरह से मैंने बताया कि इस पिस्टन रिंग के अंदर कोई भी ऐसी ख़राबी नहीं है, और मैंने सिर्फ इसके अंदर क्लीनिंग किया है, सिर्फ क्लीनिंग, इसके अंदर कोई भी ऐसे रिंग पिस्टन को मैंने फिटमेंट नहीं किया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये जानना रहेगा कि कंपनी रिकमेंडेड किस प्रकार से रिंग पिस्टन फिटिंग किया जाता है। तो देखें, ये जो इन लिखा हुआ है ना, यह इसका इनटेक साइड है। अब इनटेक साइड में अगर पिस्टन अगर देखा जाए कंपनी रिकमेंडेड, तो यह इसका टॉप वन रिंग है। मैं इसके मार्किंग करके दिखाता हूँ, जिस तरह से मैंने हीरो की गाड़ियों में दिखाया। यह इसका हो गया इनटेक साइड का टॉप वन रिंग, और यहाँ पे हो गया टॉप टू रिंग। ये देखें, टॉप वन यहाँ, टॉप टू यहाँ। और अगर ऑयल एक्सपेंडर लोअर रिंग अगर देखा जाए, तो बीचों बीच रखा गया है। ऑयल एक्सपेंडर लोअर यहाँ पे है बीचों बीच, और ऑयल एक्सपेंडर अपर अगर देखा जाए, जो ऑयल एक्सपेंडर ये बीच में लगा हुआ है, इसके अपर रिंग को इस साइड रखा गया है। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्शन देखें, तो कंपनी रिकमेंडेड हीरो के पिस्टन में और होंडा के पिस्टन में कोई खास फर्क नहीं है। वही सेम जो 360 और 390 डिग्री का जो सर्कल बना के भेजता है कंपनी रिकमेंडेड, वही सेम फिटिंग करना है। तो फिटिंग के दौरान क्या करेंगे, टॉप वन को यहाँ रखेंगे, टॉप टू को यहाँ रखेंगे, ऑयल एक्सपेंडर यहाँ, ऑयल एक्सपेंडर लोअर यहाँ, और जो मेन ऑयल एक्सपेंडर रिंग रहेगा, यानी लोअर यहाँ, अपर यहाँ, और ऑयल एक्सपेंडर को एम बना के इस साइड डालेंगे। तो ये रिंग पिस्टन का आपको समझ में आ गया, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और दिया भी है इससे पहले, कि कैसे पिस्टन रिंग फिटिंग किया जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, डायरेक्ट फिट करूँगा इसको यहाँ पे, और इसका जो ये पिन है, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड किया। अब डायरेक्ट पिस्टन पिन को पिस्टन के अंदर ऐड कर देंगे। पिस्टन और पिस्टन पिन को ऐड करने के बाद गैस के सिलेंडर ऐड करेंगे, जो सिर्फ 35 रुपये का है। अब इसे मैंने निकाल लिया है, ये इस प्रकार से है। इसे मैं अब यहाँ पे इसको अंदर ऐड कर देता हूँ, और इसे लगाने से पहले आप चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीस का उपयोग करें। यहाँ पे आप रेजीबोंड का हरगिज उपयोग ना करें। रेजीबोंड ऐड करेंगे तो इस हॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, हॉल को ब्लॉक कर देगा, तो हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो रेजीबोंड उपयोग ना करें इस जगह पे। तो ये पूरी तरह से फिटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर ब्लॉक असेंबली ऐड करेंगे। अब ब्लॉक असेंबली ऐड करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ताकि अच्छे से जो स्मूथली वर्क करे, और जब फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूँ, तो कोई भी ऐसा जो इसके अंदर घर्षण ना हो, जिससे क्या होगा कि स्मोक का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसके अंदर ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा इसके अपोजिट साइड भी ऐड करेंगे, और थोड़ा इसके पिस्टन में भी ऐड करेंगे। मैंने पिस्टन में भी ऐड कर दिया। अब चलिए, इसको हम इसके अंदर डायरेक्टली ऐड करते हैं। इस ब्लॉक को इसके अंदर ऐड करूँगा। काफ़ी केयरफुली ऐड करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, तो दोनों तरफ से हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए, मैं उस साइड से फिटिंग करता हूँ। ब्लॉक को ऐड करने के बाद इसके अंदर टाइमिंग टेंशनर जो है, इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका जो है, इस प्रकार से ये फिट हो जाएगा, देखें। और मैं बताते चलूँ, जब तक कि इसका हेड फिटिंग नहीं हो जाता पूरी तरह से, आप इसके क्लच साइड कुछ भी ऐसी चीज़ें फिटमेंट ना करें।
क्लच साइड फिट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये सब सारी चीज़ें फिट करने में आपको परेशानी होगी। हेड के फिटिंग करते समय आपको जो खास चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेंसर यूनिट कहीं से टच ना करे। आप रेजी बोन्ड का अगर चाहें तो इस जगह पे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कंप्रेसर लीकिंग का प्रॉब्लम, ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है वो हेड वाले एरिया से ही होता है, तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अब जैसे देखें, मैं इसके हेड को जब फिटिंग किया हूँ तो काफ़ी इजीली फिटिंग कर दिया हूँ। अब मेन है कि इसके अंदर टाइमिंग कैसे लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट वाल्व क्लियरेंस कितना रखेंगे। तो उन सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं इसके अंदर जो सारे बोल्ट्स हैं वो मैं इसके टाइट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि एक एक वॉशर, एक एक बोल्ट, तो सब में निशान देख लें कि किस टाइप से इसका बोल्ट लगा हुआ था। तो एक अपोजिट साइड वॉशर डालेंगे, तो एक अपोजिट साइड करके टाइट करेंगे, एक इधर से अपोजिट साइड। ये देखें, चारों वॉशर मैंने ऐड कर दिया। अब चारों के ऊपर एक एक नट जाएगा। बट बताते चले, उससे पहले आप इस बोल्ट को, जो यह एक लॉन्ग बोल्ट मैंने बताया यहाँ टाइट होता है, इसे भी यहाँ पे लगा देंगे। बट याद रखें, इस बोल्ट को टाइट हरगिज ना करें। इस बोल्ट को टाइट करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक साइड टाइट हो जाएगा और ऑयल लीकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले इस बोल्ट को हम अपोजिट बाय अपोजिट थोड़ा थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर इस 10 नंबर को टाइट करेंगे, ताकि एकदम परफेक्टली एकदम बराबर टाइट हो और लीकेज की कोई ऐसी समस्या हो ही ना। तो चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। देखें, हेड वगैरह तो फिटमेंट कर चुके हैं, बट अभी तक मैंने इसके यहाँ पे मैग्नेट साइड का ये कवर नहीं लगाया, क्योंकि ये कवर अगर आप पहले लगा लेते हैं उसके बाद अगर हेड वगैरह फिटमेंट करते हैं तो टाइमिंग चेन उतरने के चांसेस बढ़ जाएगा और काफ़ी समय जो यहाँ से आप इसके ऑयल पंप वगैरह की टेस्टिंग अच्छे से जाँच नहीं सकते हैं। तो अभी मैं इसके हेड और ब्लॉक के फिटमेंट करने के बाद का जो स्टेप रहता है वो रहता है इसके टाइमिंग का और टाइफिट एडजस्टमेंट का, जिसका प्रोसीजर 6 स्टेप में होता है। वो 6वां स्टेप भी बताएंगे, बट उससे पहले मैं बताते चलूँ टाइमिंग कैसे लिया जाता है। तो देखें, यहाँ पे जो ये निशान आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे, आप देखें तो किस तरह से निशान है, एक यहाँ पे लाइनिंग है, एक यहाँ पे लाइनिंग है और यहाँ पे ऊपर आपको, तो इस साइड तो आपने देख लिया किस तरह से इसका टाइमिंग का मैकेनिज्म है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस साइड का भी। अब मैं इसके राइट हैंड साइड आपको दिखाता हूँ, इस साइड आपको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे देखें, इस जगह पे, यहाँ पे जो आपको मार्किंग दिख रहा होगा TF का, ये देखें T, ये है F का, इस जगह पे TF लिखा हुआ और इस मार्क से आपको टाइमिंग मिलाना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे टॉप पे ले आ चुका हूँ। अब चलिए वो 6 स्टेप बताते हैं जो कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है। तो अभी हम लोग इसका देख रहे हैं वाल्व क्लियरेंस एंड टाइमिंग। तो देखें, यहाँ पे वाल्व क्लियरेंस का जो PDF है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अगर देखें इस जगह पे, तो इस जगह पे इनटेक और एग्जॉस्ट का कंप्लीट मैकेनिज्म बना हुआ है। और 6 स्टेप में पहला क्या है कि एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहला रिमूव सिलेंडर हेड कवर, सेकंड में रिमूव फ्लाई व्हील कवर, थर्ड में अगर देखें तो अलाइन रेफरेंस लाइन ऑफ टाइमिंग स्पोकेट, उसके बाद फोर्थ में देखें अलाइन टी मार्क विथ इंडेक्स मार्क ऑन क्रैंक केस, यानी जो मैग्नेट साइड मैंने दिखाया वो। उसके बाद यहाँ पे अगर फिफ्थ में देखें तो चेक वाल्व क्लियरेंस यूजिंग फिलर गेज, और उसके बाद अगर सिक्स्थ में देखें तो एडजस्ट जो है यूजिंग वाल्व एडजस्टमेंट व्रेंच। तो ये स्टेप आपको पता होगा मैं किस तरह से यूज करने वाला हूँ। आप अगर क्लियरेंस देखें तो इंटेक साइड क्या रहेगा 0.08 mm और एग्जॉस्ट साइड क्या रहेगा 0.025 mm या फिर 30 mm भी रख सकते हैं प्लस 0.02 mm। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वाल्व क्लियरेंस रखना है। उसके लिए इस तरह से हम फिलर गेज का उपयोग करेंगे। चलिए दूसरे कैमरा एंगल से दिखाते हैं। तो अभी मैं अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्लीप ले रखा हूँ। जब गाड़ी हमारी 500 से 700 किलोमीटर चल जाएगी उस समय फिर कंपनी रिकमेंडेड एडजस्टमेंट किया जाएगा। अभी मैं फर्स्ट टाइम इंजन को फिटिंग कर रहा हूँ तो ज़्यादा फ्री प्ले दिया हूँ मैं। इसके एग्जॉस्ट साइड 0.10 mm, ये देखें फ्री प्ले, देखें काफ़ी ईजिली अंदर बाहर जा रहा है। 0.10 mm एग्जॉस्ट साइड और 0.5 mm इसके अंदर इंटेक साइड रखा हूँ। ज़्यादा फ्री प्ले रखेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी के अंदर जो है कुछ समय में वाल्व घिसेगा और टाइफिट टाइट हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी अंदर 700 किलोमीटर, ताकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम बीच में गाड़ी ना करे। तो टाइफिट का क्लियर हो चुका है। अब इसके हेड के कैप को ऐड करेंगे।
इसके अंदर मैंने रेजी बॉन्ड का उपयोग किया है, अब इसको डायरेक्ट इसके अंदर फिक्स करेंगे। और ये जो है ना, इस जगह को आप खास ध्यान रख लें, इस जगह को अगर आप थोड़ा सा भी रेजी बॉन्ड ऐड करेंगे इस जगह पे, तो अगर ब्लॉक हुआ जगह तो फिर क्या होगा कि ऑयल हेड में आएगा ही नहीं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि उस जगह पे ऑयल नहीं जाना चाहिए। अब एक एक इसके बोल्ट को टाइट करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर रेजी बॉन्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ऑयल आने के चांसेस बढ़ते हैं, तो क्यों ना ऑयल ना निकले, इसलिए हम यहाँ से रेजी बॉन्ड का उपयोग करेंगे इसके अंदर। तो चलिए हेड को हम डन करते हैं, क्योंकि अभी आगे का कई सारा ऐसा प्रोसीजर बाकी है जो इसके कंप्लीट। मैग्नेट साइड फिटिंग करना है, क्लच साइड फिटिंग करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो चलिए इनको मैं टाइट कर लेता हूँ। अब ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैकेनिज़्म है जिसके अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये जो आप निडिल देख रहे हैं, इसे आप इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर भी टाइमिंग होती है, अभी देखें ये पूरी तरह से अंदर बैठा नहीं है, इसको हम इस तरह से घुमा के बैठाएंगे, ये अंदर की ओर जाएगा। जब तक अंदर नहीं जाता समझिए बैठा नहीं है। जब मैं इसको राउंड शेप में लिया हूँ तब ये अंदर जाके बैठा। अब इसके सरफेस में पूरी बराबरी आ चुकी है, अब ये पूरी तरह से लग चुका है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब तक ये बाहर हो निडिल, आप देखें मैं इसको बाहर निकाल के दिखा दूँ, इसको लेकर काफ़ी मैकेनिक हमारे परेशान थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैकेनिक भाइयों, तो एक ये देखें, यह जो एक निशान सा बना हुआ ना, इसका एक टाइमिंग है जो अंदर बैठता है। मैंने तो इसे फटाक से फिटिंग कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें, जब तक ये टाइमिंग बैठेगा नहीं, ये अंदर जाएगा नहीं और बाहर ही रहेगा, और उस समय आप फिटिंग करते हैं तो फिर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे मैं इस तरह से टाइमिंग इसका अंदर लूँगा, और ये देखें इसका सरफेस पूरी तरह से अंदर चला गया। अब इसके ऊपर एक स्प्रिंग होती है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ये देखें स्प्रिंग लग चुका है। अब इसके ऊपर का प्लेट ऐड करेंगे, यह प्लेट को मैंने क्लीन भी कर लिया, इसका ओरिंग और ऑयल सील फिटिंग कर दिया। अब ये जो अंदर का आपने स्प्रिंग देखा, तो ये जो पिन है, ये पिन अगर आप देखें तो यह पिन इस स्प्रिंग को प्रेस करता है, फोर्स डालता है और वो अंदर बैठ जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उसे बैठाना है, उससे पहले थोड़ा सा अगर बॉन्ड का उपयोग करेंगे तो और सिक्योर हो जाएगा, इंजन ऑयल लीक नहीं करेगा। तो इस प्रकार से फिटिंग करना है, रेजी बॉन्ड के ऐड करने के बाद ये जो एक डॉयल वाला हिस्सा है वह यहाँ बैठेगा, इधर विदाउट डॉयल रहेगा। और इस स्प्रिंग को खास ध्यान रखना है कि स्प्रिंग नीचे ना गिरे, स्प्रिंग नीचे गिरेगा तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको देख लेना है। चलिए मैं इसे अच्छे से बैठाता हूँ, आपको अलग कैमरा एंगल दिखाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, प्लेट को ऐड करने से पहले ऑयल पंप लगाना होता है। ऑयल पंप लगाना थोड़ा सा टफ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी एक चिपटी सी जो है निडिल बनी हुई, और अंदर इसके अंदर जाके बैठता है यहाँ पे। तो इसको अगर हम इस तरह से बैठाएंगे तो अंदर इसका प्लेट भी बैठना चाहिए और ये भी अंदर जाना चाहिए। तो मैं चलिए इसे बैठाता हूँ अच्छे से। देखें ये बैठा इजीली। अब ये जो निडिल है ना, इसके इस टाइमिंग पे ले जाकर और यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि टाइमिंग भी इसके इस पिनियन से अटैच हो गया। अब जैसे ही इंजन फ्लो करेगा वैसे ही इसके जो स्पीड से हेड में ऑयल ट्रांसफ़र होगा। अब ये बैठने के बाद हम इसके प्लेट को बैठाएंगे। ये थोड़ी सी जो है एक तरह से कह सकते गलती थी जो मैंने इसे भूल गया। आप जब भी फिटिंग करें तो अच्छे से सारी चीज़ों को नोटिस करें। वैसे भी आपके पास जो फिटमेंट के सारे इक्विपमेंट रहेंगे, जो सामान पड़ा रहेगा, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ छूट रहा है। वैसे मैं बारीकियों पर ध्यान देता हूँ, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ छूटता नहीं है। अब मैं इसे चलिए लगा लेता हूँ। अभी देखें इसके अंदर मैंने ये दोनों बोल्ट टाइट नहीं किया है, उससे पहले इस निडिल वाले बोल्ट को टाइट करेंगे ताकि स्प्रिंग को होल्ड कर दे अच्छे से, वरना फिर क्या होगा कि नीचे गिर जाएगा जैसे ही थोड़ा सा हम हीट करेंगे। तो पहले हमें स्प्रिंग ही टाइट करना पड़ेगा, तो इसे हल्के हाथों से हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली, सिर्फ अभी फंसा लिए हैं, अब इस वाले प्लेट को थोड़ा सा हीट करके, प्लास्टिक हमारा आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे ही टाइट कर सकते हैं।
जैसे ही टाइट करेंगे वॉशर याद रखें, फिटिंग के दौरान ओपन करने के दौरान भी बताया था कि वॉशर याद रखें। अब चलिए मैं इसे टाइट करता हूँ। पैनल को फिटिंग करने के बाद वेरिएटर रोलर की फिटमेंट करेंगे और इसको फिटिंग करते समय एक एक इस तरह से जो बॉल है इसका उसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद हम ग्रीस का या ल्यूब का उपयोग करेंगे। ये देखें छः रोलर कंप्लीट ऐड कर दिए, अब यहाँ पे हम ल्यूब का उपयोग करते हैं। आपके पास ल्यूब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रीस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये ल्यूब को हम ज़्यादा इसलिए उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही जो है बेल्ट ड्राइव में जाएगा और बेल्ट स्लिप होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीस का उपयोग करेंगे और ग्रीस का उपयोग करना एकदम अनिवार्य है क्योंकि उससे जर्क नहीं होगी गाड़ी आपकी। अगर ग्रीस नहीं डालेंगे तो आपकी गाड़ी जो है जर्क होगी, झटका सा फील होगा, सभी में आपको ग्रीस का उपयोग करना है। ये मैंने इसके अंदर ग्रीस का उपयोग किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में चलेगी तो फिर क्या होगा कि इसी यही ग्रीस आपका सब निकल के और बेल्ट ड्राइव में चला जाता है और गाड़ी जो है बेल्ट में साउंड आता है, गाड़ी स्लिपिंग की साउंड करता है। अब इसके ऊपर का जो प्लेट है, इसका जो कवर है, इसको ऐड करेंगे तो इस प्रकार से ये कवर रहेगा। इसके ऊपर तीन इस तरह से ब्लैक कलर का जो निडिल है इसे हम ऐड कर देंगे, ये मैंने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर इस तरह से इसको कवर कर देंगे। काफ़ी आसानी से ये लग जाता है, ये देखें यह लग गया। अब इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे कुछ इस प्रकार से, इसे फिट कर दिए। अब इसके ऊपर का एक बूश रहेगा इसे हम फिट करेंगे इसके अंदर, ये देखें ये फिट हो गया। अब इसके ऊपर हम बेल्ट ड्राइव ऐड करेंगे, ये बेल्ट इसके अंदर लग गया। अब इसके ऊपर ये जो फैन वाला एरिया जहाँ पे पहले सेल्फ स्टार्टर के लिए वेरिएटर रोलर और कंप्लीट इसका जो ड्रम स्टॉपर पट्टी और यहाँ पे इसका जो लगा होता था बेंडिक्स ड्राइव, तो बेंडिक्स ड्राइव का यहाँ पे जगह नहीं है, सिर्फ इस तरह से किक रिचिट का ऐड करेंगे, थोड़ा सा और पीछे जाएगा क्योंकि ये किक रिचिट इसके भी इस बैक ट्रीट से ये अटैच होना चाहिए। हाँ अभी ये पकड़ लिया है, अब इसके ऊपर एक वॉशर ऐड करेंगे। ये वॉशर इस साइड का नहीं है, दूसरा वॉशर इसका ऐड करेंगे, यह वॉशर है इसका, वॉशर ऐड करेंगे और यह इसका बोल्ट है, इसे हम यहाँ पे सॉरी नट इसे टाइट कर देंगे। इसके बाद हम इसके क्लच शू को ऐड करेंगे, बट क्लच शू को थोड़ा सा रफ़ कर लेते हैं ताकि पिकअप में कोई ऐसी समस्या ना हो। क्लच शू लगाएं, बट क्लच शू लगाने से पहले यहाँ पे ग्रीस का ज़रूर उपयोग करें क्योंकि यही एक एरिया है जिससे साउंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये एरिए में आप ग्रीस का ज़रूर उपयोग करें। देखें कंपनी रिकमेंडेड भी पहले ग्रीस लगा हुआ है। क्लच को फिटिंग करने के बाद अभी अब इसके हम किक के कंप्लीट असेंबली को फिट करेंगे। तो देखें इसका पहले से ही मैंने शाफ्ट को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे ओपन करने की भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर स्प्रिंग वगैरह कभी टूट जाता है जब इसे आप ओपन कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस का उपयोग करेंगे क्योंकि स्कूटर में आपको पता होगा जो ACG स्टार्टर की खासतौर पर गाड़ियाँ हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर किक उपयोग होता ही नहीं। जितने भी कस्टमर को देखें रेगुलर किक का उपयोग नहीं करते हैं, सेल्फ से ही गाड़ी को इजीली स्टार्ट करते हैं। तो किक अगर लंबे समय तक अगर जाम होगा तो उससे क्या होगा कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस का और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का उपयोग करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर भी उपयोग करेंगे, इसके स्प्रिंग में भी उपयोग करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बेयरिंग वाला एरिया है इसके अंदर भी हम ग्रीस डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया,
अब थोड़ा सा ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम ना के मात्रे में, क्योंकि ग्रीस सूख जाएगा ना तो ऑयल अपना लुब्रिकेंट जारी रखेगा। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, अब किक रिचिट के अंदर ऐड करेंगे। यह इसका किक रिचिट है, यहाँ पे इसको अच्छे से जो है ग्रीस का उपयोग करेंगे इसके अंदर। और इसके इसमें आपको पता होगा कहीं पे वॉशर नहीं होता है, टीवीएस जुपिटर की तरह कोई वॉशर नहीं, डायरेक्ट आप फिटिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा किक को ऊपर लेंगे और फिट करेंगे। चलिए इसके किक को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको इस जगह पे फिट कर देते हैं। ये देखें फिट हो गया। अब इसके किक के टाइमिंग को देखेंगे तो देखें किक अभी एक टिथ ऊपर है, थोड़ा और नीचे जाएगा। इसको फिटिंग करने के बाद अच्छे से मैंने जांच कर लिया है। अब इसके ऊपर का जो ये इस तरह से प्लेट रहेगा इसे ऐड करेंगे, और चारों स्क्रू को टाइट करने के बाद इसके ऊपर एक लॉक होता है उसे भी अच्छे से फिक्स करेंगे। तो पहले चारों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेते हैं, अपोजिट बाय अपोजिट अच्छे से टाइट करेंगे और इसे लॉक करेंगे। मैं देख रहा हूँ छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर कर रहा हूँ ताकि जो नए मैकेनिक हमारे काम सीख रहे हैं उसको कोई ऐसी परेशानी ना हो। जब भी इंजन को ओपन करें आंख बंद करके फिटिंग कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से, क्योंकि मैंने सारे प्रोसीजर आपको बताया जो आपको सीखने में काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो एक और स्क्रू इसके अंदर ऐड करेंगे और सारे लॉक जो हैं उसको फिट करेंगे। देखिए इसको लॉक मारने के लिए हीट नहीं करना पड़ता है, इस तरह से आपके पास नुकीला प्लास होना चाहिए, और एक होल यहाँ पे फिट करेंगे और दूसरा इस जगह पे लगा के सभी को प्रेस करेंगे तो सब इसी तरह से लॉक करेगा। इस होल में एक डालना है और दूसरा यहाँ से प्रेस करना है इस तरह से, तो ये हो जाएगा। अब चलिए मैं इसके पूरे कवर को डायरेक्ट फिट करता हूँ। इंजन को पूरी तरह से फिटिंग कर चुके हैं, क्लच कवर भी ऐड कर चुके हैं। अब इसके अंदर थ्रोटल बॉडी ऐड करेंगे, इसके बैक साइड यहाँ नीचे एग्जॉस्ट ऐड करेंगे, और इसका जो कंप्लीट फाइबर बॉडी है इसके इंजन का ये सारा चीज़ ऐड करेंगे। तो चलिए इसके मैग्नेट साइड से इसका यह मैग्नेट कवर लगाते हैं, इसका एग्जॉस्ट लगाते हैं, इसकी थ्रोटल बॉडी को ऐड करते हैं, और हो सके तो इसके अंदर एक और लेयर चढ़ाएंगे इसका इंजन कोट का, उसके बाद ही गाड़ी को फिटिंग करेंगे इसके बॉडी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़िट करता हूँ, और थ्रोटल बॉडी भी इसके अंदर फिट करते हैं और डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को पूरी तरह से फिटिंग करके रेडी कर चुके हैं, इसका गियर ऑयल, इसका इंजन ऑयल सारा चीज़ ऐड कर चुके हैं। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे।
इसके चाबी स्विच को ऑन कर दिया है। देखें अभी भी 5000 क्रॉस नहीं की है गाड़ी, 4953 किलोमीटर चली हुई है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ा सा आरपीएम लाउड रहेगा क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर सेंसर जो है इसका सिग्नल ऊपर प्रोवाइड करेगा। तो देखें अभी इंजन लाउड रहेगा, अभी देखें इंजन नॉर्मल होगा, जैसे जैसे इंजन हीट होगा वैसे वैसे इंजन का जो है ये जो आरपीएम है नीचे चला जाएगा। अब इसके अंदर अभी इस कैप को ओपन करेंगे या इस बोल्ट को ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि हेड में ऑयल का फ्लो हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ ज़रूरी है इंजन फिटिंग करने के बाद चेक करना कि हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक चेक नहीं करेंगे इंजन डन हो ही नहीं सकता। उसके साथ साथ चारों तरफ लीकेज देखेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है इसके क्रैंक के से, इसके ब्लॉक असेंबली के से, इसके हेड से, इसके हेड के कैप से, सारे जगहों पे चेक करेंगे। कहीं से लीकेज रहेगा तो उसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहला काम इसे ओपन करना और चेक करना। अभी कुछ देर चलेगी गाड़ी, उसके बाद ही ओपन करेंगे ताकि पता चल सके। उससे पहले हम इसके अंदर OBD स्कैनर लगाएंगे और एक बार इसके ECM को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जब भी गाड़ी का इंजन फिटिंग होता है, इंजन ओपन करते हैं तो सारे सेंसर्स को ओपन किया जाता है, एक्चुएटर्स को ओपन किया जाता है, पंप को ओपन किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे एरर जो है इसके ECM में स्टोर होता है, तो उन सारे एरर को ख़त्म करने के लिए OBD स्कैनर लगा के ECM को रिफ्रेश करेंगे। स्कैनर को लगाने के लिए हम यहाँ पे ब्रैंड न्यू MS30, ये देखें MS310 यानी MS310 उपयोग कर रहे हैं, जो एकदम ब्रैंड न्यू है, नया मार्केट में भी आया है और ये अभी किसी भी मैकेनिक भाइयों के पास होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास यह डेमो के लिए आया है। अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये कैसे काम करता है। एक्स्ट्रा इसके अंदर ब्लूटूथ प्रोवाइड किया गया है। चलिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या ECM में कोई ख़राबी है या नहीं है। तो केबल लगाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको सिस्टम देखने को मिल रहा होगा, OBD2 है, बैटरी है, अबाउट है, सेटअप है, DTC है, IM है। तो अभी हमें दो चीज़ें चेक करना पड़ेगा, एक तो कि क्या कोई सेंसर या एक्चुएटर में ख़राबी है क्या, और दूसरा इसकी बैटरी का मेज़रमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट साइड ओपन किए थे तो मैग्नेट साइड जब ओपन करेंगे तो इनपुट चार्जिंग वहाँ से निकलेगा, तो वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो पहले बैटरी ही हम चेक कर लेते हैं। तो देखें बैटरी मेज़रमेंट करना है, बैटरी मॉनिटरिंग करना है, बैटरी लाइफ चेक करना है। तो एक बार बैटरी लाइफ पहले चेक करते हैं। ओह सॉरी, ऑन अगेन, चाबी स्विच को ऑन ऑफ करने को कहा जा रहा है। बैटरी मॉनिटरिंग चेक कर लेते हैं। तो देखें एकदम बैटरी का जो चार्जिंग परफेक्ट मिल रहा है, मैग्नेट कॉइल सही है। अगर मैग्नेट कॉइल ख़राब रहता या बैटरी ख़राब होती तो यहाँ पर यह इनपुट चार्जिंग दिखता सही नहीं, और बाकी ये ऊपर का फ्लक्चुएशन नहीं दिखता। तो इनपुट चार्जिंग सही मिल रहा है, यानी मैग्नेट का हम लोग ने सही से फिटमेंट किया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ग्राफ दिख रहा है। बैटरी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो देखें फ्लक्चुएशन, देखें 14.1, 14.3, 14.4 फ्लक्चुएशन दिख रहा है, यानी इनपुट चार्जिंग मिल रहा है। अब यहाँ से बैक चले आते हैं और OBD2 में चले आते हैं और देखते हैं क्या कोई सेंसर या एक्चुएटर की ख़राबी तो नहीं। ये फाइंड कर रहा है क्योंकि इंजन खुला है, सारी चीज़ें ओपन कर दिए थे तो फाइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम लेगा ये। तो देखें अभी कोड जो फाउंड हुआ है, 0 कोड इसके अंदर फाउंड हुआ है। रीड कोड के ऊपर हम टच करेंगे तो इसका जो है स्टोर कोड, पेंडिंग कोड, परमानेंट कोड, तो स्टोर कोड चेक करेंगे तो 9 कोड इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है। तो अब इसका हम ECM को जो ना रिफ्रेश कर देते हैं। यस, एरेज डन कर दिए, चाबी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और ये सारा चीज़ डन हो गया। तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। यहाँ देखें ये जो सिंबल आ गया कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो गया। यहाँ एक एरर आ रहा था, यहाँ पे ये काट फूट यानी कनेक्टिविटी नहीं मिलती। यहाँ से आप ब्लूटूथ से भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं इस QR को स्कैन करके, और मोबाइल से भी चला सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है। इसका एक डिटेल वीडियो लाएंगे कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे सारी चीज़ें काम करता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए अभी आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अभी देखिए मैंने इसके हेड को, कैप को फिर से ओपन किया। अब आपको लग रहा होगा कि एक तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है,
बट नहीं मैकेनिक भाइयों, ये जो गलती करते हैं हमारे मैकेनिक भाई, यहीं पे गलती कर जाते हैं और फिर से नया इंजन सीज कर जाता है। कुछ ही दिनों में इंजन के अंदर से साउंड आ जाता है, कैम शाफ्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, रोकर आर्म ख़राब हो जाएगा। गलती क्या होती है? इंजन फिटिंग करने के बाद हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र ना होना। अब मैंने अगर देखे हैं तो इस तरह से इसके अंदर पूरी तरह से रेजी बॉन्ड का अच्छे से उपयोग किया था, एकदम ना के मात्रे में ऐड किया था ताकि ऑयल का लीकेज ना हो, बट फिर भी मैंने ओपन किया संतुष्टि के लिए। वो इसलिए कि हेड में ऑयल का ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब गलती कहाँ पे हो जाती है देखें, यहाँ पे जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इस वाले एरिया से इसका फ्लो आएगा, बट वो प्रॉपर छिड़काव नहीं, छिड़काव से सिर्फ इसका क्लीनिंग नहीं हो पाएगा और छिड़काव से इसका रोकर आर्म लुब्रिकेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ से देखें, इस वाले हॉल के पास से आपका ऑयल का प्रेशर होना चाहिए। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आप खुद देखें, यहाँ से जो फ्लो आएगा उसे नहीं देखना है, इस जगह से आपको देखना है कि ऑयल आ रहा है कि नहीं। अभी गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, अब इस जगह पे आप देखिएगा, यहाँ से आना, ये देखिए आना शुरू हो गया, यानी ऑयल प्रॉपर तरीके से हेड में आ रहा है। ये छिड़काव को ना देखें, यहाँ से जो आएगा यहाँ का फ्लो देखना है, तो ये ऑयल आ रहा है। जब यहाँ से ऑयल ना आए तो फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको क्लच साइड ओपन करना पड़ेगा, इसके ऑयल पम्प की टेस्टिंग को लेकर इसका हेड ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा और उसको लेकर काफ़ी परेशान हो जाएंगे आप। तो स्कूटर में ख़ासतौर पर आप ध्यान दें, जब भी इसके हेड ब्लॉक की फिटमेंट करें तो ज़्यादा रेजी बॉन्ड या एनो बॉन्ड का उपयोग ना करें, और जहाँ जहाँ पे जो जो हॉल मैंने क्लियर रखने को कहा उसे क्लियर रखें ताकि हेड में ऑयल चढ़े। तो अभी इसका हेड में ऑयल प्रॉपर तरीके से आ रहा, आप अगर देखें तो एकदम नया इंजन ऑयल है, तो ये एकदम डन हो चुकी है गाड़ी। अब चलिए पूरी बॉडी को फिटमेंट करते हैं और गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि क्या इंजन में से कोई साउंड आता है या रनिंग में कहीं बंद पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो देखें, गाड़ी हमारी वॉशिंग होके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या रनिंग में कोई परेशानी क्रिएट तो नहीं करेगी। तो चलिए मैं ड्राइव करता हूँ। तो दोस्तों देखें, स्कूटर को हम लोग ने ड्राइव कर रखा है, अब मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से कोई भी ऑयल लीकेज की भी समस्या नहीं, आप नीचे भी देख सकते हैं। इंजन के अंदर कोई भी साउंड नहीं, एकदम स्मूथली स्टार्ट हुई थी सिंगल सेल्फ में आपने देखा, और ज़्यादा हीटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कम्प्लीट पता चला होगा कैसे कैसे इसका इंजन फिट किया जाता है, और नई गाड़ी का अगर आप चाहें तो कभी भी जो है बेफिक्र होकर ओपन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, और आपके माइंड में कोई भी सवाल है इस बाइक या स्कूटर को लेकर तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि उस टॉपिक के ऊपर या आपका जो प्रॉब्लम है
उसका मैं सोल्यूशन निकाल के दिखा सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।